पहला तो मैं सॉरी मंगना चाहुंदा सारिया तो ही। मैनू पता मेरे तो गलती हुई है, जिहड़ी भी तुसीं वीडियो देख रहे हो वो मेरी 4 मंथ ओल्ड वीडियो दी एक क्लिप आ। पंजाब के 20 वर्षीय यूट्यूबर मनप्रीत सिंह ने एक GTA वीडियो गेम में ग्राफिक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की बेरहम हत्या को दर्शाया था। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मनप्रीत सिंह ने माफी मांगी है। उसने कहा कि वीडियो गेम के माध्यम से उसने सिर्फ मजाक किया था, मगर कई लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। इस विवादित गेम वीडियो को उसने अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गोल्ड स्मिथ पर पोस्ट किया था। रिपोर्ट के अनुसार अपने यूट्यूब चैनल पर मनप्रीत सिंह ने 3 मिनट का माफीनामा जारी करते हुए कहा कि अब ये समझ आ रहा है कि वीडियो बनाना काफ़ी गलती थी। वीडियो में मनप्रीत ने कहा कि 4 माह पुराने वीडियो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। उस वीडियो की वजह से मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। सोशल मीडिया पर लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं। मुझे पता है मैंने गलती की है। मनप्रीत ने सफाई देते हुए कहा कि जब से उसका यह वीडियो वायरल हुआ है तभी से उसने वीडियो को प्राइवेट सेट कर दिया था और उसके लिए इंस्टाग्राम पर माफी भी मांग ली थी। मनप्रीत ने आगे कहा कि मगर उसके बाद मुझे बहुत नफरत का सामना करना पड़ रहा है। लोग गेमिंग वीडियो के एक करेक्टर को रियल लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक गेमिंग वीडियो था। मैं समझता हूं कि यह एक गलती थी। मनप्रीत ने कहा कि इस प्रकार का वीडियो बनाना मेरी मूर्खता थी और मैं उसके कारण पीड़ित हूं। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसे में दोस्तों आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।